Hello everyone, welcome back to my channel Splendid Food Temptation. Today I'm going to share with you the recipe of very popular and traditional dish of Bihar. Yes, none other than Litti and Chokha. So watch the video till end and do like, share and subscribe to my channel. सबसे पहले हमें लिट्टी के लिए डो तैयार करना है, जिसके लिए मैंने गेहूं का आटा लिया और मैं यहाँ पे अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन को थोड़ा हथेलियों पे क्रश करके डालें, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। अब यहाँ पे हमें डालना है काला जीरा, नमक स्वाद के अनुसार, और यहाँ पे हम बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल यूज करेंगे। अब हमें यहाँ पे दूध का इस्तेमाल करना है और आटा अच्छी तरीके से लगा करके तैयार करना है। आटा बिल्कुल रेडी है। लीटी का आटा ना तो बहुत ज्यादा हार्ड होगा ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी ऑयलिंग कर देंगे और इसे सेट होने के लिए साइड में रख देंगे। अब हमें लिट्टी के लिए फिलिंग बनाना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे सत्तू लिया है, साथ ही मैं यहाँ पे अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन हथेलियों पे थोड़ा क्रश करके डालें, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है। इंग्रेडिएंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो प्लीज गो एंड चेक देयर। इसके बाद हमें डालना है काला जीरा, सौंफ। सौंफ के बाद हम यहाँ पे डालेंगे पिंच ऑफ हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे अचार का मसाला। अचार का मसाला की इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी में, इससे इसकी जो फिलिंग में बहुत ही अच्छा टैंगीनेस आता है। और अब हमें यहाँ पे ऐड करना है बारीक कटी हुई प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, और मैं यहाँ पे ऐड करूँगी मस्टर्ड ऑयल इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के लिए। अगर आपको जो फिलिंग है लंबे समय तक रखना है तो मस्टर्ड ऑयल डालें, और अगर आपको सेम डे से कंज्यूम करना है तो आप यहाँ पे थोड़ी बहुत पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सरसों तेल डाल के अच्छे तरीके से फिलिंग को रेडी कर लिया है, और इसकी स्वाद को थोड़ा और बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे हरा धनिया डाल रही हूँ। साथ ही हमें लेमन जूस डालना है। आप लेमन जूस अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे साइड में रख देना, और हमारा फिलिंग रेडी है। फिलिंग भी रेडी है और आटा भी सेट हो चुका है। चलिए अब हम इसकी लिट्टी बना लेते हैं। तो हमें इसे एक कटोरी का शेप देना है और इसमें सत्तू को भरना है। हल्के हाथों से इसे प्रेस करते हुए इस प्रकार से बनाएं जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। अपने थंब के हेल्प से थोड़े इसे प्रेस कर लें, ताकि जो सत्तू है वो जब लिट्टी बने तो वो निकले नहीं। चारों तरफ से हमें इसे अच्छे तरीके से सील कर देना है और इसे गोलाई के आकार में इसे दे देना है, और हमारा लिट्टी बन के बिल्कुल तैयार है। बची हुई आटे के भी हम इसी प्रकार से सारी लिट्टी बना के तैयार कर लेंगे। लिट्टी बन के बिल्कुल तैयार है, इसे हम साइड में रख देंगे। भरता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बैंगन, टमाटर, आलू और थोड़ा सा लहसुन का इस्तेमाल किया है। इसमें कटमार्क लगाएंगे और ऑयल से ग्रीसिंग कर देंगे, ताकि जब हम इसे कोयले के आंच पे पकाएं तो इसका छिलका आसानी से निकल जाए। अब हमें फायर बेड तैयार करना है, जिसपे हमें लिट्टी को बनाना है। तो मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है, उसमें चारकोल रखा है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा किरोसिन ऑयल का यूज़ करके ये बेड बना रही हूँ। ये प्रोसेस बहुत ही ध्यान से करें। जब फायर बेड अच्छे तरीके से सेट हो जाए, तब हम बैंगन, टमाटर और लहसुन को इस पर अच्छे तरीके से सेक लेंगे। बैंगन, टमाटर और लहसुन अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब हम इसे निकाल के एक बर्तन में साइड में रख देंगे, और ये प्रोसेस बहुत ही ध्यान से करें, अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखें।
हमें इसके छिलके को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है और अब हम इसका भरता बना के तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मडलर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मडलर ना हो तो आप घर की कोई भी ग्लास या कटोरी के हेल्प से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर ले। आप चाहे तो अपने हाथों का भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे डालेंगे अजवाइन, काला जीरा, नमक, सरसों तेल, बारीक कटी हुई प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया, लेमन जूस। अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे साइड में रख देंगे और हमारा भरता बिल्कुल तैयार है। अब हमें लिट्टी को सेक लेना है। तो इस प्रकार से हम लिट्टी को फायर बेड पे रखेंगे और अच्छे तरीके से इसे उलट पलट करके दोनों ओर से अच्छे प्रकार से इसे सेक लेंगे। लिट्टी बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे साइड में एक कॉटन कपड़े के अंदर रख लेंगे और इसे अच्छे तरीके से कपड़े की मदद से झाड़ लेंगे सो दैट इसमें जो भी चारकोल का डस्ट लगा है वो आसानी से निकल जाए। और लिट्टी बनके हमारी बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। मैंने इसे चोखा, हरी चटनी और घी के साथ सर्व किया है। लिट्टी को पहले हम घी में अच्छे तरीके से डुबो लेंगे सर्व करने के पहले सो दैट इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाए। लिट्टी चोखा महज एक खाना नहीं है, ये प्रेम है। ये प्रेम है वो धीमी आंच का, लंबी बात का और ठंड के मौसम में अपनों का साथ का। तो अगर ये प्यार भरी थाली आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून। टिल देन हैव अ नाइस डे। बाय बाय।